और मेरे ही हमसे पूछकर शरद यादव और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स उनसे मिलने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के दरवाजे पर गए और बहनों भाइयों उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। Speaking at an election rally on August 8th, Defense Minister Rajnath Singh acknowledged for the first time that the center tried to reach out to separatists in 2016. This was the time when Kashmir was witnessing large-scale protests following the killing of militant commander Burhan Wani in an encounter. He also admitted that four opposition MPs had visited Hurriyat leader Syed Ali Shah Gilani as part of center's outreach for peace talks. आपने National Congress को भी देखा है, PDP को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा है। बहनों भाइयों, जिस समय यहां पर पीडीपी की सरकार थी, मैं भारत का गृहमंत्री था, बराबर आकर उस समय की मुख्यमंत्री महबूबा जी से मैं कहता था हालात सामान्य होने चाहिए। यहां तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन मेरे गृहमंत्री रहते हुए मेरे नेतृत्व में यहां पर आया था। मैं विरोधी दल के कुछ सांसदों को, वरिष्ठ सांसदों को, जिसमें शरद यादव जी भी उस समय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता थे, मैंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमसे यह सब हुर्रियत वाले लोग हमसे जलते हैं, हमको देखकर चिढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि श्रीनगर में अमन अमान के हालात कायम होना चाहिए। यदि आप लोग यह बात करिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति चाहिए, शांति की बहाली हम कश्मीर में चाहते हैं। और मेरे ही हमसे पूछकर शरद यादव और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स उनसे मिलने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के दरवाजे पर गए और बहनों भाइयों उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। During the all-party delegation's visit to the state in the first week of September 2016, which came in the wake of violence in the valley that left 72 people dead, four opposition MPs, JDU's Sharad Yadav, CPIM's Sitaram Yechuri, CPI's D. Raja and RJD's Jayaprakash Narayan Yadav, broke away from the 26-member group and visited the Srinagar residence of hardline Hurriyat leader Syed Ali Shah Gilani, who was under house arrest. Gilani, however, snubbed them and did not even open the doors. At the time, Singh had said that the MPs had visited on their own.